हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से आप ये मानिए कि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं हर एक टॉपिक से, कोई भी टॉपिक इसमें छोड़ा नहीं गया है। लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको पिक किए गए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो पिक किए गए हैं। कोई भी MCQs आता है तो साथ ही में आपको ये भी बताया जाएगा कि उसके अलावा और किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिससे कि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर एक बार ये कंप्लीट वीडियो आप देख लेते हो तो आप ये मान लीजिए कि आपका केमिस्ट्री का ये चैप्टर काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ हेनरी कॉन्स्टेंट केच इज। आप ये मान लीजिए कि जो हेनरी लॉ है ना, इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे मैं अभी आपको यहीं पर बता देता हूँ। तो हेनरी कॉन्स्टेंट क्या, मतलब हेनरी लॉ क्या कहता है हमसे? हेनरी लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू केच इंटू में आपका क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जो एक्स है, आप इसे मान सकते हो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के अंदर। आप यहां से देखोगे तो हम इसे कह सकते हैं कि जो हेनरी कॉन्स्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की। मतलब कि जितनी ज्यादा केएच होगी जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो उतनी ही ज्यादा कम होने वाली है। ठीक है, तो हम ऑप्शन से देख लेते हैं, आपको यहां पर पता चल जाएगा। जैसे कि ये पे है कि जो हेनरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो बड़ी होगी, मतलब यहां कह रहा है कि ग्रेटर फॉर गैस विद ए हायर सॉल्युबिलिटी। ये बिल्कुल गलत है। अगर हेनरी कॉन्स्टेंट ग्रेटर है, मतलब ज्यादा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होने वाली है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ग्रेटर फॉर गैस विद लोअर सॉल्युबिलिटी। यस, अगर केएच की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होने वाली है, क्योंकि इस रिलेशन से हम साफ ये कह सकते हैं कि जो हेनरी कॉन्स्टेंट है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए अगर केएच की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू है वो कम होने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर सिंपल हो गया बी। आपको और इसमें कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हेनरी कॉन्स्टेंट है, केएच है, आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल कि केएच जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। आपको अब इस फॉर्मूले पर नहीं जाना है। इस फॉर्मूले से लग रहा है कि जो केएच है वो सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड कर रही है, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपसे पूछे कि केएच जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। उसमें ऑप्शन में आपको सॉल्युबिलिटी भी लिखा हुआ होगा, प्रेशर भी लिखा होगा, तो आपको लग सकता है कि प्रेशर पर डिपेंड कर सकती है या सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करती है, पर ऐसा नहीं है। केएच जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। और इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि आपको केएच की वैल्यू दे देंगे और आपको बताएं, कहेंगे कि जो इसकी सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में लगाओ, तो आपको सिंपल लगा देना है कि जिसकी भी केएच ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होने वाली है। तो आप उस तरह से किसी को भी ऑर्डर में लगा सकते हो। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड कह रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, आपको सिंपल एक बात आपको दिमाग में रखना है कि जिस भी फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा होगा तो वो सिंपल जो है आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाला है। अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करने वाला है। जैसे इसमें चार ऑप्शन दिए, हम एक एक करके सबके फॉर्मूले को हम लिखते हैं। जैसे कि मोलैरिटी हो गया, तो हम मोलैरिटी को क्या लिखते हैं, क्या मोलैरिटी को लिखते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। आप इसमें देख रहे हो कि वॉल्यूम आ गया, और जब भी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो डिक्रीज करते हो, उसका इफेक्ट जो है वो वॉल्यूम पर देखने को मिलता है। अगर वॉल्यूम पर इफेक्ट आएगा यानी कि मोलैरिटी पर भी आएगा, यानी कि इसका ये आंसर पक्का हो गया है। पर हम आगे भी देख लेते हैं और आगे क्या है। जैसे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो होता है मोल ऑफ सॉल्यूट और आपका जो होता है वो टोटल मोल नीचे आ जाता है। आप इसमें देखोगे कहीं भी वॉल्यूम नहीं आया। अगर वॉल्यूम नहीं आया तो मोल फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ऐसे वेट परसेंटेज, तो वेट परसेंटेज तो सिर्फ आपके वेट की बात हो रही है, तो ये तो मतलब वॉल्यूम की बात हो ही नहीं रही, तो ये भी आपके टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपका हो जाता है मोल ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में हो जाता है वेट ऑफ जो भी उसमें सॉल्वेंट मिला हुआ है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वॉल्यूम नहीं आया, अगर इसमें भी वॉल्यूम नहीं आया तो ये भी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। तो टेम्परेचर पर डिपेंड कौन करता है, मोलैरिटी। और भी कोई फॉर्मूला जिसमें कि वॉल्यूम आ रहा है वो सिंपल आपका जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होने वाला है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, कोई भी ऑप्शन में रहेगा, चारों ऑप्शन के आप फॉर्मूले लिखोगे और वहां से आप पता कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें चार टर्म होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आप हमेशा ये ध्यान रखोगे कि जो डेल्टा वी होता है ना वो हमेशा होता है जीरो, डेल्टा एच वो भी होता है हमेशा जीरो, और जो डेल्टा जी है और डेल्टा एस है
ये जीरो के इक्वल नहीं होता, मतलब ये जीरो नहीं होता, जीरो से कम भी हो सकता है, जीरो से ज़्यादा भी हो सकता है, ये डेल्टा एस है। डेल्टा एस जो है ये भी जीरो के इक्वल नहीं होता है, ये होता है आइडियल सॉल्यूशन। कोई भी आइडियल सॉल्यूशन है तो अगर ये चीज़ फॉलो कर रहा है ना तो वो एक आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आता है। अब देखोगे इसमें कौन से हमारा मैच कर रहा है, ये कह रहा है डेल्टा जी जीरो होगा, पर ऐसा नहीं है, डेल्टा जी जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट एस जीरो होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट कह रहा है वी जीरो नहीं होना चाहिए, पर वी जीरो होना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक तरह से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है डेल्टा एच जीरो, हाँ आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच जीरो होना चाहिए, यानी कि ये आंसर जो है आपका बन जाएगा। अगर कुछ वो पलटता भी है, अगर ये चारों आपको याद है तो आप आइडियल सॉल्यूशन के क्वेश्चन आसानी से बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमसे, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी फॉलो रॉल्स लॉ। अब रॉल्स लॉ क्या कहता है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को तो देखेंगे, आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। रॉल्स लॉ का कहना है, मान लो आपके पास ए सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर ए है और ये बी है, ठीक है, तो ए में कई सारे आपके ए के एटम होंगे, तो ए के एटम जो है वो आपस में मिले रहेंगे, बी के एटम भी आपस में मिले हुए रहेंगे, तो ए का जो इंट्रैक्शन है ना और जो बी का इंट्रैक्शन है, और फिर ऐसे ही अगर ए और बी का मिक्सर है तो उसके अंदर कुछ ए भी होंगे, ए बी बी के बॉन्ड भी होंगे, और कुछ बॉन्ड जो होंगे वो ए बी के भी होंगे। पर अगर आप इनके अट्रैक्शन देखोगे ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जितना अट्रैक्शन ए का होगा उतना ही बी बी का होगा और उतना ही ए बी का भी होगा, मतलब ये तीनों के अट्रैक्शन जो है वो आपको सेम हो जाने वाले हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना वो सेम हो जाते हैं, तो वो जो कॉम्पोनेंट है वो रॉल्स लॉ को फॉलो करने लग जाता है। अब सीधा आप देखते हैं, जैसे ये क्या कह रहा है, ए बी अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर, नहीं, ए बी अट्रैक्शन फोर्स इज लेस, नहीं, ए बी अट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम। देखो यहाँ सेम कह दिया, अगर सेम है तो ये क्या होगा कि रॉल्स लॉ को फॉलो करने वाला है, तो सिंपल आंसर होगा, कोई भी दिक्कत इसमें लेने की जरूरत है ही नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, कि जो पहाड़ों पर रहते हैं ना, अब मान लो जैसे ये तो आपका हो गया अर्थ का सरफेस, आप मान लो कि दिल्ली में रहते हो, यूपी में रहते हो, तो यहाँ से अब आप चले गए हो पहाड़ों में, ठीक है ना, आप पहाड़ों के ऊपर चले गए, ये तो सरफेस है मेन, और ये है आपका जो पहाड़ों के ऊपर, अब यहाँ पर एक इंसान रह रहा है, एक इंसान यहाँ पर रह रहा है, और ऊपर से क्या लग रहा है आपका एटमोसफेयर है पूरा, तो एटमोसफेयरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ये पूरा एटमोसफेयर है यहाँ पर। अब ये जो एटमोसफेयरिक प्रेशर है वो आपका जो है हमारे मतलब ह्यूमन के ऊपर लगता है, ठीक है, तो अब आप मान लीजिए कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, यहाँ से आप मूव करो, जैसे जैसे आप पहाड़ों के तरफ जाते रहोगे तो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। मेन रीजन यही होता है कि उसके अंदर जो है जो ब्लड जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, क्यों, क्योंकि जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है ना वो कम हो जाता है। आप मान लो यहाँ पर रह रहे हो तो आपको इतना सारा एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लेकिन जैसे आप यहाँ पर आ गए हो तो एटमोस्फेरिक प्रेशर अब थोड़ा सा ही लग रहा है, यानी कि जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो गया है। इसी के कारण जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जो डिजॉल्व होता है ना वो भी कम हो जाता है, तो इसका मेन रीजन कौन सा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, आपको बहुत ही अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर हो गया कौन सा, आपका हो गया लो एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो सिंपल इसका आंसर हो गया बी। ओके समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान लीजिए ना कि आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वही आते हैं, लेकिन मैं आपको एक दो एग्जाम्पल एक्स्ट्रा ही बता दूंगा क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेविएशन शो पॉजिटिव, कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा रॉल्स लॉ से। हमने रॉल्स लॉ पढ़ लिया कि रॉल्स लॉ क्या है, लेकिन कुछ ऐसे जो सॉल्यूशन है वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे आप मान लीजिए ये रॉल्स लॉ है तो कुछ जो हो जाते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करने लग जाते हैं और कुछ शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन को। उसमें क्या होता है कि जो ए बी का इंट्रैक्शन है ना, जो शुरू में हमने देखा था ए का इंट्रैक्शन और ए बी का और बी बी का इंट्रैक्शन, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि ए बी का इंट्रैक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, और नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि ए बी का जो इंट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू ए इंट्रैक्शन और बी बी इंट्रैक्शन की तुलना में। अब इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, पॉजिटिव का आपको याद रखना है इथेनॉल प्लस एसीटोन, आपको याद रखना है इथेनॉल प्लस एसीटोन, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है आपसे पूछ लिया जाते हैं, तो इथेनॉल हो गया, एसीटोन हो गया, और आपको याद रखना कि अगर कहीं भी CCl4 दिख जाता है और इसके साथ कुछ भी आ जाए, अगर CCl4 के साथ कुछ भी आ जाए वो आपका क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे तो इसमें आपका आ जाता है फिनॉल, और फिनॉल प्लस, अगर फिनॉल प्लस एनिलीन को मिलाते हो तो ये आपका क्या शो करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है, और साथ ही अगर कहीं पर CHCl3 के साथ अगर कुछ भी मिक्स हो जाए तो वो भी आपका क्या शो करता है, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। इसके बाद
जैसा आप इसमें ऑप्शन में आप देख सकते हो कि कौन सा पॉजिटिव डिविजन शो कर रहा है, तो इथेनॉल प्लस एसीटोन, आप इसमें देखोगे एसीटोन एनिलीन नहीं, एसीटोन प्लस इथेनॉल, ये आपका आ गया, यानी ये जो है वो पॉजिटिव डिविजन को शो करता है। ये जितना भी मैंने बताया ना आपसे इसी के रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि विच हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है ना, अब ये देखिए यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आप मान लीजिए सेम है सब में, ये क्या ये चीज तो कॉमन है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या दिख रहा है, ये चीज हमें डिफरेंस दिख रहा है, KCl है, यूरिया है, CaCl2 है, AlCl3 है। अब इसे हमें कैसे करना होता है ना, हम क्या करते हैं इसके आयन को चेंज करते हैं। अब KCl को ब्रेक करोगे तो किसमें ब्रेक होगा, K+ + Cl-, तो कितने आयन बन गए, 2। ऐसे यूरिया, यूरिया ब्रेक नहीं होता, यूरिया हमेशा आप डालोगे वो वैसे का वैसे रहेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। अगर CaCl2 को ब्रेक करते हो तो ये ब्रेक होता है Ca2+ + 2Cl-, यहाँ पे आपको क्या हुआ, 2Cl-1, ये Ca, तो Ca2+, तो 2Cl-1 Ca2+, ये हो गया आपका 3। और जब AlCl3+ को तोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका Al3+ + 3Cl-, इसमें आपके आ गए 4। मतलब जितने ज्यादा आयन में ब्रेक होंगे उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। मतलब जैसे इसमें 4 है तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होगी, और सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है, यूरिया के अंदर। तो अगर यूरिया की वैल्यू सबसे कम आ रही है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम होने वाली है। आपको ये ध्यान रखना कि लोएस्ट पूछ रहा है या फिर आपका ज्यादा पूछ रहा है कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो आपका आ जाता फिर डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता, पर लोएस्ट पूछ रहा है तो इसका जो है आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि 1 m 2.5 लीटर NaOH सॉल्यूशन मिक्स्ड विद अनदर 0.5 m 3 लीटर NaOH सॉल्यूशन है, आपको बताने बाद में मोलैरिटी क्या होने वाली है पूरी। एक फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, m1 v1 प्लस में m2 v2 इक्वल टू m3 v3, ठीक है। जो शुरू में वॉल्यूम है v1 है वो तो आपका ये रहा v1, M1 है वो ये रहा M1, ऐसे M2 ये रहा M2, और ये V2 ये रहा V2। अब ये V3 जो होता है वो दोनों का मिक्सचर, मतलब इसका 2.5 लीटर तो इसका 3 लीटर, तो 3 लीटर प्लस 2.5 लीटर मिलके कितना बन गया, आपका बन गया 5.5 लीटर। तो V3 जो है वो 5.5 लीटर आ गया, और M3 आपको निकालना है। आप देखोगे पूरी वैल्यू दी हुई है, बस आपको सॉल्व करके निकालना है M3 की वैल्यू। M1 V1 दिया हुआ है, M2 V2 दिया हुआ है, V3 हम निकाल लेंगे, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दोगे। जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे, एक बार सॉल्व करके जरूर देखना है, अगर आप लोग सॉल्व नहीं करोगे ना तो आपका जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको इस चीज को जब सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, यानी कि इसका आंसर जो है 0.73 मोलैरिटी आएगा। इसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 की मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलल एक्वा सॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चन है वो एक तरह से फिक्स होता है, जिसमें हमेशा ना कई सारे बच्चों को तो इसका आंसर भी याद हो जाता है कि इसका आंसर जो है वो 0.0177 है, पर आपको याद नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इसे सॉल्व कैसे करना है। तो 1 मोलल का मतलब क्या है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1 मोलल का मतलब होता है कि 1 मोलल सॉल्यूशन मतलब होता है ना कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, आप लिखोगे 1 मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो किसके अंदर मिला हुआ है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर। मतलब 1 मोल, एक मिनट मैं इसे आराम से लिखता हूँ, कि 1 मोल सॉल्यूट जो है कि 1 मोल सॉल्यूट किसके अंदर मिला हुआ है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जो है वो आपका 1 मोल सॉल्यूट मिला हुआ है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे ना, मैं आपको बता देता हूँ तरीका, ताकि आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया, तो मोल ऑफ सॉल्यूट हम लिख सकते हैं, मान लीजिए मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो आपका कितना हो गया, 1 आ गया। ऐसे वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हुआ, क्योंकि 1000 ग्राम में है ना, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, वो आपका आ गया कितना, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम जो है वो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। इसी तरह से आप मोल ऑफ सॉल्वेंट निकाल दोगे, जब आप मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे तो वो क्या होगा, 1000 ग्राम तो वेट है ही, और साथ ही क्योंकि वाटर है तो वाटर का मोलर मास होता है 18, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 55.56, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी जो मोल ऑफ सॉल्वेंट है। अब आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का। जब भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट निकालना है तो पहले हम लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट, जैसे हमारा मोल ऑफ सॉल्यूट ये रहा कितना, 1, और फिर टोटल मोल, टोटल मोल कितना, सॉल्यूट के मोल प्लस जो हमने सॉल्वेंट के मोल कैलकुलेट किए वो 55.56।
अब आप इसे कैलकुलेट करोगे, आपकी वैल्यू जो है वो 0.0177 आ जाने वाली है। याद नहीं करना, मैंने आपको बता भी दिया, तरीका भी बता दिया, काफी सारे बच्चे इसे याद भी कर लेते हैं। आप याद ना करें, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड इन 178.2 ग्राम ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस। अब वेपर प्रेशर निकालना है, तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, आप बिल्कुल पीछे से शुरू करिए। मतलब निकालना क्या है, वेपर प्रेशर। तो आपको फॉर्मूला याद कीजिए कि वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। तो वेपर प्रेशर फॉर्मूला अगर हमें किसी चीज़ का निकालना होता है तो वो तो मुझे पता ही है कि वेपर प्रेशर मतलब मैं क्या करूँगा, एक तो मोल फ्रैक्शन जिसका हमें निकालना है, वो अगर वाटर का निकालना है तो वाटर का जो मोल फ्रैक्शन प्लस में टोटल प्रेशर। अब ये फॉर्मूला मुझे पता चल गया। अब क्या कि टोटल प्रेशर तो मुझे पता है कि अब कोई भी हो तो हम क्या लिखते हैं उसमें 760 mm ऑफ HG रखते हैं, तो टोटल प्रेशर तो हमें पता है, पर मोल फ्रैक्शन हमें नहीं पता, यानी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो अब हम वो निकालेंगे कैसे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकलेगा। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आपको निकालना है तो मोल ऑफ वाटर हम ऊपर रखेंगे, मोल ऑफ वाटर जो है ऊपर रखना पड़ेगा और प्लस जो है आप उसे अब, तो अगर हमारा हो गया मोल ऑफ वाटर प्लस में टोटल मोल, तो हमें यहाँ पर अब मोल ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मोल ऑफ वाटर निकालने के लिए हमें कितना 178.2 ग्राम वाटर दिया हुआ, तो हम मोल ऑफ वाटर निकालते हैं। जब आप मोल ऑफ वाटर निकालोगे तो 178.2 अपॉन में 18 मोलर मास, ये नहीं आ गया कितना, कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका 9.9 मोल आ जाएगा। और आपको 18 ग्राम ग्लूकोज भी मिक्स है, तो अगर आप ग्लूकोज को देखते हो तो ग्लूकोज के हम मोल निकालने पड़ेंगे। अगर हम ग्लूकोज के मोल निकालते हैं तो 18 ग्राम ग्लूकोज और मोलर मास 180, तो याद आपका आ जाएगा 0.1। तो इसका मोल आ गया 0.1, इसका मोल आ गया 9.9। तो अगर हमें आप मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल ऑफ वाटर कितना आया है 9.9, वो आप ऊपर रखोगे और नीचे में क्या हमें रखना पड़ेगा, हमें रखना पड़ेगा टोटल मोल। तो 9.9 ये और 0.1 ये, टोटल आ गया 10, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यहाँ से निकला है, इस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा 9.9 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू में 760। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो टोटल कैलकुलेशन करके जो आपकी वैल्यू है वो 752.40 टॉर आ जाने वाली है। एक बार आप इसे कैलकुलेट जरूर करोगे, क्योंकि जब तक आप खुद से कैलकुलेट नहीं करोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा। एक बार जरूर खुद से कैलकुलेट जरूर करके देखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि PA और PB जो वेपर प्रेशर है, ए प्योर लिक्विड कॉम्पोनेंट ए और बी, मतलब ये प्योर लिक्विड का एक तरह से वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन है, एक से जो है वो मोल फ्रैक्शन शो कर रहा है कॉम्पोनेंट ए का, आपको टोटल प्रेशर बताना है आखिर क्या होने वाला है। टोटल प्रेशर का एक ही फॉर्मूला होता है, पी इज इक्वल टू पी ए इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस में पी बी इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये हो गया। अब हमें क्या हुआ, यहाँ पर हमें एक्से लाना है, तो एक्से तो हमारे पास है और आप इस ऑप्शन में देखोगे तो आपका जो है XB कहीं भी नहीं है, पर हमारे यहाँ पर XB है, तो हमें पता है कि हम XB को हम 1 - XA भी लिख सकते हैं। अगर हम इसे 1 - XA लिखते हैं, अब आपका बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, 1 - XA इसे लिख दीजिए तो ये हो जाएगा आपका पी, ये हो जाएगा PA XA प्लस में हो जाएगा आपका PB। जब आप इसे मल्टीप्लाई करके पूरे अच्छी तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा P और यहाँ जो आपका PB है, क्योंकि आपका बाहर आ जाएगा PB। ठीक है, और यहाँ से जो है आपका जो है कॉमन निकल के आ जाएगा कौन सा, एक्स से दोनों में कॉमन है, तो एक्स से कॉमन आ गया और ये आपका आ जाएगा PA, और ये जो माइनस में है तो ये माइनस में हो जाएगा आपका PB, क्योंकि इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका ये जो आपका आंसर आ जाने वाला है। आप इसे मैच करोगे तो PB प्लस में एक्से PA माइनस PB, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि इफ 0.1 mL सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड 0.1 mL सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ये भी कैपिटल एम ही है, ठीक है ना, ये भी कैपिटल एम ही है, ऑफ यूरिया आर प्लेस्ड ऑन टू साइड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू इक्वल हाइट, तो क्या चीज करेक्ट है। तो इसमें क्या है ना, आप देखोगे कि दोनों का जो कंसेंट्रेशन है, एक तरफ क्या है, एक तरफ है आपका ग्लूकोज और दूसरे तरफ है आपका यूरिया। ठीक है, अगर दोनों की कंसेंट्रेशन सेम है, ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, तब तो मतलब कि कुछ भी मूव करने वाला ही नहीं है। इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो नेट मूवमेंट है वो एक तरह से जीरो हो जाता है, ना तो यहाँ से कुछ मूवमेंट होता है ना तो यहाँ से कुछ मूवमेंट होता है। लेकिन अगर यही इसकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा रहती है कम रहती, वो ही मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी आपका ग्लूकोज है, यहाँ पे भी ग्लूकोज है, यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन 0.1 है, यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन 0.2 है,
तो जो वाटर का मूवमेंट है ना वो हमेशा उसके हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ होता है, मतलब कि वाटर जो है वो यहाँ से मूव करके यहाँ पर चला जाएगा, तो आप इसे कह दोगे कि इस तरह से मूवमेंट होता है। पर यहाँ पे दोनों की जो है वो सेम है, यानी कि कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होने वाला है, तो हम कह देंगे देयर विल बी नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 है कि ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज आपको गिवन है जिसका मोलर मास भी गिवन है, आपको बताना है प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68.5 ग्राम सुक्रोज इन 1000 ग्राम वाटर, तो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो आपको एक फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मेम, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मेम। यहां पे हमें जो है वो केएफ की वैल्यू गिवन है, तो केएफ तो हमें पता चल गया, अब हमें निकालना है एम। एम कैसे निकलता है, एम निकालने के लिए जो है आप केएफ को ऐसे रखोगे, ठीक है। अब एम निकालने के लिए आपका क्या होता है, एक तो W मतलब कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो भी हमने मिक्स किया है, मतलब कि जो सुक्रोज को हमने मिक्स किया वो, और यहाँ पे मोलर मास ऑफ सुक्रोज, और नीचे हमारा जो हो जाएगा वेट हो जाएगा किसका, वाटर का, और जो है हमें इसमें क्या क्यों ग्राम में दिया हुआ है, तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देने वाले हैं। ठीक है, अब इसकी सारी वैल्यू को अगर आप पुट करोगे तो देखो केएफ की वैल्यू कहाँ है 1.86, डब्ल्यू भी सुक्रोज को हम मिक्स कर रहे हैं, मतलब हम कितना सुक्रोज मिक्स कर रहे हैं 68.5, ये रहा, और इसके बाद जो है आपका 1000 की मल्टीप्लाई होगी, मोलर मास ऑफ कितना है 342 और डब्ल्यू ए कितना है 1000, इन चारों को आप पुट करोगे तो यहाँ से आपका डेल्टा टीएफ आ जाने वाला है। जैसे ही डेल्टा टीएफ आप कैलकुलेट करोगे ना, तो ये सब कैलकुलेट करके आपका कितना आ जाएगा 0.372। तो कई सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सीधा इसमें प्लस 372 पर टिक कर सकते हैं वो, पर लेकिन अगर आप टीएफ की बात करो, क्योंकि हमसे डेल्टा टीएफ नहीं पूछ रहा है बल्कि फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, यानी कि टीएफ पूछ रहा है, तो टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है टी नॉट एफ माइनस में आपका क्या हो जाता है डेल्टा टीएफ। ठीक है, तो जो टी नॉट एफ है वो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 माइनस 372, तो 372 आ गया आपका, तो इतना आ गया माइनस में 372 डिग्री सेल्सियस आ गया, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना कि ऑप्शन नंबर सी। तो सी करेक्ट नहीं है, बल्कि इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है, -3372 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहे हैं कि एक स्क्यूबा ड्राइवर है, अगर आप एनसीईआरटी में जाओगे ना तो वहां पर भी इसके एग्जाम्पल को बताया गया है कि जब स्क्यूबा ड्राइवर क्या होता है, बिल्कुल अंदर जाता है, जब मतलब पानी के अंदर जाता है उसका उसे बाहर भी आना होता है, लेकिन जब पानी में जाता है तब तो क्या होता है उसका जो प्रेशर होता है वो बढ़ते रहता है, मतलब पानी के अंदर जैसे जैसे जाएगा, आप मान लीजिए वाटर है, जैसे वो पानी के अंदर जाते रहेगा उसका प्रेशर जो है वो ऊपर से बढ़ता रहेगा, लेकिन जैसे वो अचानक ऊपर आने लगेगा तो जो उसके ब्लड में जो है वो नाइट्रोजन जो है मिक्स है ना, जो वो मिक्स हो जाएंगे तो उसके बबल बनने लगते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं बेंड्स। ठीक है, उस कंडीशन को कहते हैं बेंड्स, सीधा आंसर आ गया। लेकिन अगर आप और बात करते हो आगे, तो उसमें हम क्या करते हैं एयर फिल्ड विद डायल्यूटेड विद हीलियम, लेकिन उस हीलियम के साथ हम और भी चीज़ें मिक्स करते हैं, 11.7% तो होती है हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी होती है, 56.2% होती है नाइट्रोजन और 32.1% होती है ऑक्सीजन। आपको परसेंटेज याद नहीं करनी, लेकिन हाँ उसमें आपको जरूर याद करना है कि हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों का मिक्सचर जो है वो उस टैंक के अंदर यूज किया जाता है, मेनली जो है उसके अंदर जो हीलियम है उसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होता है, इसलिए इसका आंसर जो है हीलियम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, अगर आपको एटमोस्फेरिक जो है प्रेशर है वो इंक्रीज करना है तो आपको एटमोस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर का ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखोगे कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, तो सिंपल ऑप्शन में देख लो इंक्रीज विद टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, हाँ क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सारे डिक्रीज ये नहीं, ऐसा नहीं है, वॉल्यूम पर कोई ऐसे डिपेंड नहीं है, डाइल्यूशन पर भी कुछ नहीं है, टेम्परेचर पर आपका डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसी तरह से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट है कि कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड इज एग्जाम्पल ऑफ, अब ये क्या है ना कि एक गोल्ड है इसके अंदर हम कॉपर को मिला देते हैं, जैसे कि अब पूरा प्योर गोल्ड तो आपको कहीं नहीं मिलता, थोड़ा बहुत हमने कॉपर मिला दिया, इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन अलग अलग तरह के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, गैसीय सॉल्यूशन होते हैं। गैसीय सॉल्यूशन मतलब नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस को हमने ऑक्सीजन गैस में मिक्स कर दिया, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, गैसीय सॉल्यूशन। पर अगर दो सॉलिड को मिला रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, तो आपका हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको वेंट्स ऑफ फैक्टर बताना है। तो जिस तरह से मैंने आपको आयन में तोड़ के बताया था ना, उसी तरह से आपको इनको आयन में तोड़ना है। जब इसे आयन में तोड़ोगे आपका आ जाएगा के प्लस सी एल माइनस दो आयन, एन ए प्लस सी एल माइनस दो, और इसका आ जाएगा टू के प्लस और एसओ फोर टू माइनस, मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा तीन। तो दो दो तीन कहाँ है, ये रहा सिंपल आंसर। आपको सीधा इसे ब्रेक करना है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने देखा था कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा या कम है, तो उसी तरह से आपको इसे जब ब्रेक करोगे तो दो दो तीन में आपका ब्रेक हो जाएगा, उसी को ही हम वेंट्स ऑफ फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। तो अगर सी वाटर से हमें प्योर वाटर चाहिए तो हम क्या करते हैं, जब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर देखा था तो मान लो यहाँ पर जो है आपका 0.1% नमक है, जो प्योर वाटर में 0.1% नमक है, थोड़ा बहुत हमने मान लिया, और जो सी वाटर में हम मान लेते हैं कि हमका 50% नमक है। तो हमने क्या देखा था, अगर हम नॉर्मल रखते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में, तो वाटर जो है वो यहाँ से यहाँ मूव कर जाता है, पर हमें करना ये नहीं है, हमें करना है उल्टा, यहाँ से पानी को यहाँ पर लाना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से प्रेशर डालेंगे। तो जो पहले था ये वाला जो चीज़ था, इसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो उल्टा है, जब हम जो अलग से प्रेशर लगाते हैं दूसरी तरफ से, तो हम इस चीज़ को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब हमने ऑस्मोसिस को उल्टा कर दिया, जाना वाटर इधर चाहिए था पर हम प्रेशर लगा के हम वाटर को इधर से इधर मूव कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन इज जनरली मेजर्ड इन यूनिट ऑफ। तो आप एटमोस्फेयर के अंदर पॉल्यूशन देखो ना, बहुत ही कम मात्रा में होता है, मतलब आप मान लो 10^-6 क्वांटिटी या -7 या कुछ ऐसे होता है, तो उस चीज़ को हम ppm के फॉर्म में हम नापते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन, कि आपका एक मिलियन में कितने जो पॉल्यूशन के पार्टिकल हैं, इस तरह से हम नापते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो बहुत ही कम होते हैं पर खतरनाक ज़्यादा होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही पॉल्यूशन ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इसका सिंपल आंसर हो गया ppm। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड। आपको कोई लिक्विड गिवन है, इस लिक्विड के अंदर आपको सॉलिड को डिजॉल्व करना है, तो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। पहले बात कि नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है, आप नेचर ऑफ सॉल्यूट की क्यों अगर हम बात करेंगे, जैसे कि आप मान लो जो रेत है और आपका हो गया नमक, दोनों सॉलिड है, पर क्या होता है कि रेत तो उतना नहीं घुलता, पर जो आपका क्या है नमक जो है वो आसानी से घुल जाता है, तो हम कहेंगे कि नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि आप किस चीज़ के अंदर उसे मिक्स कर रहे हो, इस बात पर भी डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। आप मान लो क्या किया कि आपने एक बर्तन ले लिया, उसको आपने गैस पर चढ़ा दिया, पहले आपने नमक मिलाओ, नमक मिलाते रहो, एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना आपका नमक मिलेगा नहीं, लेकिन उसे आपने टेम्परेचर दे दिया, आपने गैस पर चढ़ा दिया और फिर आपने उसे चालू कर दिया गैस को, और फिर आप नमक देखोगे ना जो पहले नहीं घुला था ठंडे पानी में, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर और ज़्यादा नमक उसके अंदर घुलने लगेगा। तो हम कह देंगे कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, लेकिन प्रेशर पर कोई डिपेंड नहीं है। प्रेशर को पर कोई, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे घटाओगे उस पर कोई डिपेंड, मान लो आपने ये छोटा सा आपका गिलास था, ठंडा पानी था, इसके अंदर आपने जो है नमक मिक्स किया, ठीक है, अब क्या कर लो इसके ऊपर प्रेशर लगा लो, मैक्सिमम नमक तो मिल गया, पर अब और नमक डाल दो, अब आप देख रहे हो कि नमक इसके अंदर मिल नहीं रहा है, आपने इसके ऊपर से प्रेशर डालना चालू करोगे तो देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं है, बस इन तीनों का इफेक्ट पड़ता है। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन, तो आप जो है इनको एक बार फिर से आप अच्छे से आपने देख लिया होगा, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे ना एग्जाम में आपको यहीं से मिलेंगे। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, बाय बाय।